नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। मोदी सरकार के नेतृत्व में जिस तरह से रेल विभाग ने दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की की है, वो किसी से भी छिपी नहीं है। हर किसी ने रेलवे को रोज नए नए आयाम छूते देखा है। एक तरफ बुलेट ट्रेन पर तेजी से काम चल रहा है, साथ ही उसे 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, वो है पुणे से मुंबई के बीच हाइपर लूप ट्रेन, जो कि 150 किलोमीटर का सफर मात्र 35 मिनट में ही पूरा कर लेगी, जो कि अभी तक पूरे 3.5 घंटे का समय लेती है। महाराष्ट्र सरकार ने वर्जिन हाइपर लूप 1DP वर्ल्ड कंसोर्टियम को पुणे मुंबई हाइपर लूप परियोजना के ओरिजिनल प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट के लिए चुना है, जिससे न सिर्फ पुणे से मुंबई जाने वाले यात्रियों को आसानी होगी, बल्कि $36 अरब के रोजगार भी पैदा होंगे। माना जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट एक अल्ट्रा मॉडर्न तकनीक वाला सुपर फास्ट परिवहन प्रोजेक्ट होगा, जिसके जरिए दोनों शहरों को जोड़ा जाएगा। यानी कि हाइपरलूप ट्रेन मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर पुणे के वाकड़ तक जाएगी। FTI के तहत पूरे होने वाले इस प्रोजेक्ट में 70,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा, और क्योंकि ये प्रोजेक्ट जनता से जुड़ा है, इसलिए वर्जिन के अलावा और दूसरी कंपनियां भी इसके लिए प्रस्ताव देंगी और ठेके पर दिए जाने की भी व्यवस्था होगी। माना जा रहा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने में 7 साल का समय लग सकता है। तय किया गया है कि इस हाइपरलूप ट्रेन के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पुणे में पहली ट्रेन करीब 11 किलोमीटर 800 मीटर की दूरी तय करेगी। फिर दूसरे फेज में पुणे के वाकड़ से कुर्ला तक कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। अगर बात करें प्रोजेक्ट के शुरू होने की, तो वर्जिन इस साल के आखिर यानी कि साल 2019 के आखिर तक इस प्रोजेक्ट के पहले फेज के लिए काम शुरू कर सकती है, जिसके लिए सबसे पहले तो एक सुरंगनुमा रास्ता बनाया जाएगा, ताकि ट्रेन हवा का दबाव ना होने की वजह से तेजी से दौड़ सके। टेस्टिंग फेज के दौरान वर्जिन नवादा में 7 मील का एक ट्रैक बनाकर तैयार किया जाएगा। फिर चेक किया जाएगा कि ट्रेन 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ भी पाती है या नहीं। अभी तक प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिहाज से कंपनी 1640 फीट लंबे और 11 फीट ऊंचे ट्यूब में खाली ट्रेन दौड़ा कर देख रही है, और अभी तक ट्रेन को 390 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने में सफलता भी मिल चुकी है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक अल्ट्रा फास्ट हाइपर लूप के प्रोजेक्ट को कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। वहीं वर्जिन हाइपर लूप 1 के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जे वाल्डर ने भारत के लिए इस प्रोजेक्ट को ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के पहले हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की मेजबानी की होड़ लगी है, और पुणे से हो रही हाइपर लूप ट्रेन की शुरुआत भारत को मजबूती से आगे बढ़ाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस आकर्षक प्रोजेक्ट की घोषणा तो हो गई और इस प्रोजेक्ट पर शुरुआती काम भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन वो दिन कौन सा होगा जब लोग इस आधुनिक ट्रेन का लुत्फ उठा पाएंगे।